जयपुर में नकाबपोश दो बदमाशों ने पिस्तौल के दम पर डीसीएम अजमेर रोड पर इंडियन ओवरसीज बैंक की ब्रांच लूट ली। लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए लुटेरों को बैंक में 16 मिनट का वक्त लगा। बदमाशों को तिजोरी की चाबी के लिए इतना समय बैंक में गुजारने भी पड़े। नकाबपोश बदमाश ब्रांच में एक एक कर आने वाले 8 लोगों को हथियार के दम पर मारपीट कर बंधक बनाते रहे, तिजोरी की चाबियों के बारे में पूछकर धमकाते, अगर तुम्हारी दी सूचना गलत हुई तो अल्लाह कसम सबको गोली मार देंगे। बैंक में असिस्टेंट मैनेजर तिजोरी चाबी लेकर पहुंचे, उसके बाद वारदात को अंजाम दिया गया। बदमाश जल्दबाजी में तिजोरी में रखे 10,73,000 रुपए, कस्टमर के 40,000 और ब्रांच मैनेजर की सोनी की चेन लूटकर सफाई कर्मचारी की बाइक से फरार हो गए। बैंक लूट की सूचना पर श्याम नगर थाना पुलिस ने तुरंत शहर भर में नाकाबंदी करवाई। पुलिस के आला अधिकारी सूचना मिलते ही बैंक पहुंचे। बैंक परिसर में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने पर नकाबपोश बदमाशों की करतूत कैद मिली। पुलिस फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। एसएचओ श्याम नगर धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि होली के त्यौहार होने के बाद भी पुलिस की टीमें बैंक लुटेरों की तलाश में जुटी है। होटल धर्मशालाओं को चेक किया गया, वहां के फुटेज चेक कर रहे हैं, संदिग्धों से भी पूछताछ की जा रही है। बैंक लूट कर भागे बदमाशों का पीछा करती पुलिस टीम कमला नेहरू नगर पुलिया तक पहुंची। होटल हाईवे किंग के पास एक गली से बैंक के सफाई कर्मचारी की लूटी गई बाइक बरामद की गई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।